मैं डॉक्टर महेश देसाई, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड ट्रांसप्लांट सर्जन, मुलजूभाई पटेल यूरोलॉजी हॉस्पिटल में से गले गए 40 साल से मैं काम कर रहा हूँ। हमने इस हॉस्पिटल में 1980 में किडनी ट्रांसप्लांट शुरू किए और अभी तक 40 साल के दरमियान हमने 3000 के ऊपर किडनी ट्रांसप्लांट हो गए। भविष्य में किडनी फेल्यूर ज़्यादा होने की संभावना है अगर हम डायबिटीज कंट्रोल ना रह सकें। पर इसके साथ साथ किडनी ट्रांसप्लांट भी शुरू हो गया, जिसके डायलिसिस के साथ हम किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और पेशेंट को बचा सकते हैं, उनको क्वालिटी लाइफ दे सकते हैं। उसमें सुटेबिलिटी ये जो होते हैं कि ब्लड मैच होना चाहिए, डोनर को किडनी देने से उनको अपने आप को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, यह सबसे पहला है। सो हमारा अनुभव कहता है कि किडनी, नॉर्मल किडनी देने को कोई तकलीफ नहीं है। सो डोनर को किडनी देना ये कोई चीज कोई मुश्किल बात नहीं है। एक चीज, उनको तकलीफ भी नहीं होती, आजकल लैप्रोस्कोपी से करते मालूम भी नहीं पड़ता। एक चीज याद रखते हैं कि ये इसमें डोनर को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए और उसका फायदा मैक्सिमम होना चाहिए, इसलिए जांच कंप्लीट होती है। सो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके फैमिली में कोई प्रेमीजन को, जो अपने घर के हैं, उनको अगर किडनी बिगड़ जाए, अगर मौका मिले किडनी देने का, तो एक तो आपका चेकअप भी कर लेंगे, जिसमें सेफ होगा तो फिर किडनी दे सकते हैं। ये किडनी ऑपरेशन बहुत सेफ है, आप लैप्रोस्कोपी से होता है, आप जल्द से जल्द आप काम पर लग सकते हैं और रूटीन लाइफ जी सकते हैं। कि हमारे जो घर वाले हैं जिसकी किडनी बिगड़ी है, उसके रिलेशन है, वो आगे आए, उनकी सारी जांच होगी और जांच होने के बाद सुटेबल होगी तो ही किडनी लेंगे और उनको बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी, उसकी हम काळजी रहते हैं। We'll be right back.